परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की है। पटना के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है जिसमें 21 आरोपियों के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि पेपर से भरे ट्रक 5 मई को हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में पहुंचाए गए और एक कंट्रोल रूम में रखे गए। ट्रक पहुंचने के तुरंत बाद स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और डिप्टी प्रिंसिपल इम्तियाज आलम ने मास्टरमाइंड पंकज कुमार को ट्रंक रूम में प्रवेश करने की इजाजत दी। नीट पेपर लीक मामले की शुरुआत झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से हुई थी। इसके बाद ये मामला सीबीआई तक पहुंचा। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को भी आरोपी बनाया था। इस मामले में अभी तक 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक कांड में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में तीसरा सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है वो फाइल कर दिया है। पटना के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट फाइल किया गया है तीसरा, उसमें 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है। और सीबीआई की तरफ से यह बताया गया है कि नीट यूजी 2024 के प्रश्न पत्रों से भरे ट्रंक को हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में पहुंचाया गया था। 5 मई की सुबह एक कंट्रोल रूम में इसको रखा गया था। ट्रंक पहुंचने के कुछ ही देर बाद जो प्रिंसिपल हैं ओएसएस स्कूल के अहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम, उन लोगों ने मास्टरमाइंड पंकज कुमार को जो कंट्रोल रूम है उसमें जाने की अनुमति दी थी और पंकज कुमार कंट्रोल रूम में गया। दरअसल पंकज कुमार जमशेदपुर में जो एनआईटी है उसमें 2017 बैच का स्टूडेंट है, सिविल इंजीनियर के तौर पर ये वहाँ पढ़ाई कर रहा था। प्रश्न पत्र तक पहुंचने के लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उसका उसने इस्तेमाल किया। 5 मई की सुबह ही जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए हजारीबाग में एमबीबीएस के 7 छात्रों को जुटाया गया था, जिसमें रिम्स के छात्र थे, पटना एम्स के छात्र थे और राजस्थान के भरतपुर स्थित एक मेडिकल कॉलेज के बुलाए गए स्टूडेंट थे। हल किए गए जो सॉल्व पेपर थे उनको जो कुछ चुनिंदा अभ्यर्थी थे उनके बीच बांटा गया और इसके एवज में उनसे मोटी रकम ली गई थी। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो लिखी हैं। इस मामले की शुरुआती तफ्तीश वाकई में काफी गंभीर थी क्योंकि नीट परीक्षा 571 शहरों में चल रही थी जहां 4,750 सेंटर बनाए गए थे, लिहाजा हर एक सेंटर का पता लगाना बेहद मुश्किल था कैसे और कहाँ से यह प्रश्न पत्र लीक हुए। लेकिन जैसे ही इस मामले में हजारीबाग स्थित सेंटर का खुलासा हुआ धीरे धीरे सारी सच्चाई परत दर परत खुलने लगी और आखिरकार सीबीआई ने इसमें जो अनुसंधान किया और जो तथ्य सामने आए उसके बाद लगातार चार्जशीट जो है वो फाइल किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, इस मामले में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की संख्या 48 तक पहुंच गई है, उनकी मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, पटना। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना इलाके में ठेकेदार को उसके घर के पास गोली मारने मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पिंटू सिंह को अज्ञात अपराधियों की ओर से गोली मारने की बात झूठी निकली है। आपसे रंजिश में भतीजे ने ही चाचा पिंटू सिंह को गोली मारी थी। आरोपी भतीजा फरार है जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। बासवकुंड के एक व्यक्ति जिनका नाम पिंटू कुमार है उनको उनके पटीदार द्वारा जिनका नाम अरुणा सिंह है किसी आपसी बात को लेकर दोनों में बगझग हुआ, हाथापाई भी हुआ। उसके बाद अरुणा सिंह अपने घर गए और आर्म्स लेकर आए और उन्होंने पिंटू सिंह को गोली मार दी। फिलहाल उनको इलाज के लिए हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाए, वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और हम लोग अरुणा सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। शराब कारोबार पर दबिश के बाद भी बिहार में शराब की खेप लगातार पकड़ी जा रही है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक का अवैध विदेशी शराब जब्त की है। ट्रक से करीब 70 कार्टन शराब बरामद की गई जिससे पारू थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव से जब्त किया गया। ट्रक लावारिस हालत में खड़ा था जिसमें चावल के बीच में छिपाकर करीब 7 लाख की शराब रखी गई थी। उत्पाद विभाग को जानकारी मिली थी कि अवैध शराब की खेप छपरा के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंच रही है। फरार शराब माफिया की तलाश जारी है। क्योंकि पारू थाना क्षेत्र में एक दामोदरपुर गांव है, वहां ट्रक से शराब आने वाला है और उसको जिला के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा।
तो छापामारी टीम का गठन किया गया, छापामारी कराई गई, तो वाकई में वहाँ पाया गया कि 70 पेटी शराब है जो कि ट्रक पे लोडेड है और उसको अनलोड किया जाना है। क्या लग रहा है, चावल वगैरह की बात? हाँ, चावल के बीच में, हाँ चावल के बीच में छिपा के लाया गया था इसको। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब माफिया हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा। दानापुर में बेहटा की आईआईटी थाना पुलिस ने सीमेंट की आड़ में ट्रक से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। औरंगाबाद की ओर से आ रहे ट्रक को जांच के दौरान जब रोका गया तो उसमें से 298 कार्टन में 2682 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त करने के साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ड्राइवर की पहचान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बिरबल यादव के रूप में हुई है। खबर नवादा से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। उत्पाद विभाग की टीम ने कार से 15 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। उत्पाद विभाग की टीम ने रजौली थाना के NH-20 करीगांव के पास से शराब की खेप जब्त की। जानकारी के मुताबिक शराब झारखंड में बनाई गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और आगे की कार्रवाई कर रही है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। बढ़िया लेते जाइए। बिहार सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के खाते में सीधे रुपए ट्रांसफर कर रही है। बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में से भागलपुर को सबसे ज्यादा राशि दी जा रही है। भागलपुर को सरकार की ओर से 72 करोड़ की सहायता राशि मिली है। भागलपुर में 1,01,000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ित परिवार के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर की गई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। प्रबंधन विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस भागलपुर के 1,01,000 से अधिक परिवार को 72 करोड़ की राशि अनुदान में दी गई है, जो सभी के खाते में अभी डिस्पर्स हो गई है। और ये काफी राहत की बात है कि यहाँ के लोगों को जो उनको परेशानी हुई थी उसके लिए बड़ी राहत। बिहार सरकार ने सहायता राशि के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम करने का प्रयास किया है। बिहार के 13 जिलों के बाढ़ पीड़ित परिवार 4.39 लाख परिवार के खाते में DBT के माध्यम से 7,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए हैं, जिसमें कि भागलपुर को सबसे ज्यादा यह सहायता राशि मिला है। भागलपुर को 72 करोड़ रुपये ये राशि मिली है, जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा बाढ़ पीड़ित परिवार शामिल है। तो राहत है 7,000 से? 7,000 में कुछ तो राहत है। राहत है जी, मगर उससे ज्यादा संतुष्टि हमको क्या मिलेगी? उससे ज्यादा बह गया, हम लोग का तबाह हो गया, फसल क्षति हो गया, नुकसान ज्यादा हुआ। 13 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें कि भागलपुर जिला भी शामिल है, लेकिन भागलपुर जिला को यह सहायता राशि जो है सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा दी गई है। भागलपुर को 72 करोड़ रुपये जो है सहायता राशि के रूप में यह सरकार की ओर से दी गई है, जिसमें कि 1,01,000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ित परिवार शामिल हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। रांची से बड़ी खबर है, जहां अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रांची समेत राज्य में बादल छाए रहेंगे। संथाल, कोडरमा, हजारीबाग में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर दिखेगा, तो संथाल, कोडरमा, हजारीबाग में यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना से बड़ी खबर है, जहां NIA के DSP अजय प्रताप सिंह पर CBI ने केस दर्ज किया है। अजय और रॉकी यादव के बीच बातचीत हुई थी। रॉकी के 2 अक्टूबर की ईमेल से जानकारी मिली। कागजात और साक्ष्य की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। CBI के पास NIA के DSP अजय प्रताप सिंह का काला चिट्ठा है। NIA के DSP अजय ने पूर्व MLC मनोरमा देवी और रॉकी से 3 करोड़ रुपए घूस की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर नक्सली सूची में डालने और मनोरमा देवी के घर में AK-47 रखवाने की धमकी दी गई। मनोरमा देवी ने 25 लाख रुपए की पहले किस्त भी दी थी। फिर रमैया कंस्ट्रक्शन के मालिक रॉकी यादव की शिकायत पर DSP अजय प्रताप सिंह को CBI ने 20 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। साथ ही उसके 2 एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया था। मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव से घूस की डिमांड करने वाले NIA के DSP अजय प्रताप सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। CBI ने उनके खिलाफ
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और रॉकी यादव ने जो सीबीआई के खिलाफ को कंप्लेन किया था अजय प्रताप सिंह के खिलाफ न्यूज 18 के पास वो जो शिकायत है उसकी कॉपी मौजूद है जिसके इसमें राकेश रंजन यादव जो है उन्होंने तमाम जो फैक्ट्स हैं उसकी चर्चा की है और सीबीआई को तमाम पहलुओं से अवगत कराया है। इसकी शिकायत उन्होंने सीबीआई के करप्शन सेल के जो एसपी हैं उनसे की थी और करप्शन सेल के एसपी ने इस पूरे मामले में जो पटना के इंस्पेक्टर हैं सीबीआई के विकास रनौत उनको जांच का आदेश दिया था प्रवीण कुमार जो एसपी हैं उन्होंने, और उसके बाद जो विकास रनौत हैं उन्होंने रॉकी यादव से संपर्क किया, कागजात और साक्ष्य की जांच की। इसके बाद सीबीआई ने अजय प्रताप सिंह के अलावा हिमांशु के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर रखा और फिर जो एविडेंस आए उसके तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया और मामले में जांच की। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो डीएसपी अजय प्रताप सिंह उन्होंने 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी रॉकी यादव से और उन्हें पटना के जो एनआईए का ऑफिस है उसमें बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि अगर आप घूस की रकम नहीं दोगे तो आपके घर पर AK-47 रख दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा नक्सलियों से संबंध बताते हुए, न केवल आपको बल्कि आपकी माँ को भी। तो ऐसे में जब उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि वो इतनी भारी भरकम राशि नहीं दे पाएगा तो 25 लाख रुपए की पहली किस्त जो है वो हिमांशु सिंह के माध्यम से अजय प्रताप सिंह ने वसूल लिया था और बाकी के पैसे के लिए जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो सीबीआई को एविडेंस के तौर पर दिया गया। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जाँच तेज कर दी और आखिरकार बाद में अजय प्रताप सिंह और हिमांशु सिंह के अलावा जो तीसरा शख्स है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम दीपू सिंह बताया जा रहा है। तो अजय प्रताप सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और सीबीआई ने उनको 4 दिनों की डिमांड पर ले लिया है। जो आवेदन आए हैं रॉकी यादव की तरफ से उनमें जो सारे फैक्ट्स दिए गए जो सारे आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करेगी और फिर इस पूरे मामले में जांच के बाद सीबीआई क्या कुछ हासिल करती है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, सीबीआई कार्यालय पटना। बिहार में इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टियां यात्रा की पॉलिटिक्स कर रही हैं। सीपीआई एमएल ने भी यात्रा की राजनीति शुरू करने का फैसला लिया है। 16 से 25 अक्टूबर तक सीपीआई एमएल भी बदलो बिहार न्याय यात्रा का अभियान चलाएगा। यात्रा 5 रूट पर होगी, सभी जिलों में यह यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही यात्रा के समापन के बाद 27 अक्टूबर को पटना में विशाल जनसम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। तय किया बदलो बिहार नया यात्रा। हम देख रहे हैं कि नीतीश सरकार भी केंद्र की मोदी सरकार की तरह बिल्कुल लूट और झूठ की सरकार साबित हो रही है। जबरदस्त लूट है, वो जो पुल टूट रहा है उसके पीछे भी लूट है, ये जो तटबंध टूट रहा है इसके पीछे भी लूट और लापरवाही है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार पुल के पास हथियारबंद अपराधियों ने स्कूटी सवार एक युवक को गोली मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना के राजेश्वर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घायल युवक के पेट और छाती में 2 गोली लगी है और उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। घायल युवक की पहचान खाजेकला थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है। पीड़ित के परिवार के मुताबिक लूट के क्रम में युवक को गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। लेके जाएगा ऐसा तो नहीं ना, हो सकता है लूटपाट का जो या तो पहले से पुरानी दुश्मनी हो ये हम लोग नहीं बता पाए। पुल के ऊपर हुआ है या नीचे? पुल के नीचे, कुम्हार के नीचे उनकी जो एक हॉस्पिटल है उसी के आसपास हुआ। लखीसराय से स्पीच, बड़ी खबर। चार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला है। चानन और पीरी बाजार में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बड़ी संख्या में एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल शामिल इस ऑपरेशन में रहे। तो लखीसराय से ये बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बड़ी संख्या में एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल शामिल रहे। तो लखीसराय से ये खबर, जहां यह ऑपरेशन चलाया गया है। अररिया से बड़ी खबर है, जहां बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तारी मामले में बांग्लादेशी वक्त नवाब गिरफ्तार हुआ था।
अररिया पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। 5 साल से छिपकर युवक रह रहा था, गलत तरीके से आईडी कार्ड भी बनाया, अवैध तरीके से भारत में रहने का इसके ऊपर आरोप है। जिसने फर्जी कागजात बनाया इसके ऊपर आरोप, नगर थाना पुलिस ने कल इसकी गिरफ्तारी की थी। दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के साथ अग्निशमन विभाग की टीम अलर्ट मोड में है। शहर के 10 जगहों को हॉटस्पॉट बनाकर 24 घंटे फायर ब्रिगेड की टीम तैनात की गई है। वाटर टेंडर, होम टेंडर और रेस्क्यू टेंडर सहित मिक्स्ड टेक्नोलॉजी की 4 बड़ी गाड़ियों को रिजर्व कर रखा गया। 24 घंटे कंट्रोल रूम में कर्मी एक्टिव हैं। अग्निशमन विभाग की ओर से लोगों से सावधानी के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई है और कहीं भी आग लगने पर टोल फ्री नंबर 102 और 112 पर जानकारी देने की अपील की गई है। दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, तो वहीं भागलपुर फायर ब्रिगेड की टीम भी अलर्ट मोड में है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से भागलपुर में फायर ब्रिगेड के ये सभी कर्मी अलर्ट मोड में हैं और साथ ही शहर के 10 जगहों को हॉटस्पॉट बनाकर 24 घंटे वहां पर कर्मियों की तैनाती की गई है। 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्य कर रहा है और किसी भी विकट परिस्थिति की सूचना मिलने के बाद उसे समय रहते ही उस पर काबू पाया जा सके, इसके लिए सभी जो कर्मी है वो अलर्ट मोड में है। सर, कैसी तैयारी है आप लोगों की, खासकर दुर्गा पूजा त्यौहार शुरू हो गया है? सबसे पहले तो मैं भागलपुर के तमाम नगरवासी और जनता को हार्दिक शुभकामना देता हूं एवं निवेदन करता हूं कि सभी लोग सावधानी पूर्वक इस पर्व को मनाएं ताकि किसी तरह कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। अग्निशमन विभाग के तरफ से अग्नि दुर्गा पूजा को लेकर के जो तैयारी है उसके विषय में भी हम बता देना चाहते हैं कि 10 जगहों को चिन्हित कर हम लोग हॉटस्पॉट बनाए हैं। पूर्व से जो भी मेरा गाड़ी प्रतियुक्त है वो वहाँ पर रहेगी। फायर स्टेशन में 4 बड़ी गाड़ी रिजर्व हालत में रहेगी, जो किसी तरह की कोई घटना होने पर तुरंत हम लोग प्रस्थान करेंगे। कंट्रोल रूम भी यहाँ 24 घंटा कार्य कर रहा है, जो कि किसी तरह की घटना होने पर उसका सूचना प्राप्त होते ही हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। क्विक रिस्पांस टीम और पूजा दुर्गा पूजा को देखते हुए QRT टीम, जिसका मतलब होता है क्विक रिस्पांस टीम, उसका भी गठन कर दिया गया है जो 24 घंटा कार्य कर रही है। किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना होने पर हम लोग क्विक रिस्पांस लेंगे। चलिए एक बार फिर से यह तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से भागलपुर का जो फायर ब्रिगेड टीम का जो कार्यालय है वहां पर सभी कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और बता दें कि यहां पर विभाग की ओर से एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है ताकि कहीं से अगर कोई अग्निकांड की सूचना मिलती है तो समय रहते ही जो है आग पर या फिर घटना पर काबू पाया जा सके। बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के साथ भागलपुर फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। मोतिहारी के ढाका के जनसे